रविवार को कसरावद नगर में नाका पैनल के तत्वावधान में दंगल का आयोजन किया गया। सबसे पहले नाका पैनल के सदस्यों और महेश्वर के अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर हनुमान जी की फोटो पर माल्यार्पण कर नाका पैनल के सभी सदस्यों को साफा बांधकर दंगल का शुभारंभ किया। दंगल में मध्य प्रदेश केसरी गौरव भाटिया ने महाराष्ट्र केसरी सतीश पहलवान को पटकनी देकर विजेता का खिताब हासिल किया है। 40 वर्षों के बाद आयोजित हुई कुश्ती में आम दंगल में खड़ी कुश्ती और आम दंगल दोनों तरह की कुश्ती का आयोजन रखा गया। खड़ी कुश्ती में 29 जोड़ियों ने आपस में मुकाबला किया। इसके पश्चात आम दंगल की शुरुआत हुई। दोपहर 2:30 बजे शुरू हुए दंगल में इंदौर केसरी, उज्जैन केसरी, हातोद, बड़नगर, रतलाम, देवास, महेश्वर सहित मध्य प्रदेश केसरी एवं महाराष्ट्र केसरी जैसे 30 से अधिक दिग्गज पहलवानों ने शिरकत की। दिग्गज पहलवानों के बीच एक से बढ़कर एक शानदार कुश्ती के मुकाबले हुए। रोचक मुकाबलों में दर्शकों को भी रोमांचित कर दिया। मुख्य मुकाबला मध्य प्रदेश केसरी गौरव भाटिया और महाराष्ट्र केसरी सतीश पहलवान के बीच हुआ। करीब 25 मिनट से अधिक का समय तक चलने वाले इस मुकाबले में दोनों ही पहलवानों ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन कर मुकाबले को कश्मकश में बनाए रखा। आखिर में मध्य प्रदेश केसरी गौरव भाटिया ने महाराष्ट्र केसरी सतीश पहलवान को परास्त कर दिया। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। नए रूप में शुरुआत, एक समय था जब कुछ नामवर पहलवान या कसरावद में पहलवान है, कुछ भगवान को प्यारे हो गए हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पर आज कुश्ती देखेंगे। मेरे खुद के बाबा भी पहलवान है, नाम सुना है कुश्ती। आप देखेंगे ये 40 साल बाद इस परंपरा को वापस यहाँ पे कसरावद में कायम किया गया। मैं नागा पैनल के सभी साथियों को बधाई देता हूँ। साथिया ने जो हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष माननीय सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी यादव साहब ने जो कहा, तो मैं उनकी टीम का एक छोटा सा नुमाइंदा होने के नाते विश्वास दिलाता हूँ, ये परंपरा 5 सालों तक तो कायम रहेगी। नगर परिषद इसमें नागा पैनल को पूरा सहयोग करेगी और राजेंद्र यादव की टीम का एक छोटा नुमाइंदा होने के नाते मैं भी ये विश्वास दिला रहा हूँ कि ये 5 साल से परंपरा नागा पैनल के साथ नगर परिषद पूरा कंधे से कंधा मिला करके ये कार्यक्रम करवाएगी। धन्यवाद। संवाद होने जा रहा है और आज के समय में हमारे युवा साथी ऐसे आयोजनों से प्रेरणा ले, इसी उद्देश्य से आज की इस कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। मैं हमारे कसरावद नगर के युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी इस दिशा में, हमारे विक्रम यादव जी जो हमारे बीच आज पधारे हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि कसरावद के युवाओं को भी वे व्यायामशाला जाने के लिए अपनी प्रेरणा दें और कसरावद के साथी भी व्यायामशाला जाएं। और ये जो आम दंगल का पहलवानी का एक हमारे भारत का गौरव है, इसको बढ़ाने में अपना योगदान दें। आदरणीय साथियों, जो युवा साथी व्यायामशाला की ओर आकर्षित होते हैं, जो युवा साथी व्यायाम करने में अपनी रुचि रखते हैं, वो निश्चित तौर पर व्यसनों से दूर रहते हैं और अपना भी नाम रोशन करते हैं, अपने शहर का नाम रोशन करते हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। आज इतनी तादाद में आप दर्शकों के रूप में बता रहे हैं, मैं नाका पैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और 40 साल के बाद पहली बार जो आयोजन था, तो काफी सफल आयोजन के लिए बधाई। कितने आमंत्रित पहलवान थे इसमें? हमने 15 प्लेयर बुलाए थे, मतलब 30 पहलवान आए थे आमंत्रित, जो इंदौर, उज्जैन, देवास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश केसरी, महाराष्ट्र केसरी, सभी लोग इसमें शामिल हुए। और लोगों का उत्साह देखकर क्या लगा आपको इसे? काफी समय बाद, लगभग 40 साल बाद ये कुश्ती देखने को मिली है कसरावद नगर वासियों को, इसलिए जनता में बहुत ही अपार उत्साह रहा और जनता चाहती है कि ये प्रतिवर्ष हो और प्रतिवर्ष करवाने के लिए नाका पैनल प्रतिबद्ध है। क्या लगा देख कर कि क्या इस तरीके के आयोजनों से नगर में खेल की प्रतिभाओं को आगे और स्तर मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इससे लोगों का, युवाओं का उत्साह बढ़ेगा। कबड्डी, कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों की ओर उनका रुझान बढ़ेगा। पूरा श्रेय अजय भाई दरबार को जाता है, उनकी टीम को, और परिषद इसमें पिछली बार पूरा सहयोग करे। गाँव भी दिखेंगे, बचाव भी दिखेंगे, बड़ी कुश्ती है।
सबके शानदार जानदार कुश्ती क्लब प्रेमी का भी हार्दिक स्वागत है। नाका पैनल जिंदाबाद, भारतीय कुश्ती कला जिंदाबाद। विजय भाग्य अजय, विजय भाग्य पहलवान और सतीश पहलवान महाराज। देवास केसरी सफेद जाएंगे, केसरी जाएंगे। दिखाओ जनता को कि पहलवाने। अरे खड़े होके लड़े कि आड़े होके लड़े, पांच हजार दौड़ का मिला। यशवंत पहलवान ने यहाँ पर जीत हासिल की है। थोड़ी कुर्सियां पीछे ले, थोड़ी कुर्सियां। इसके बाद सचिन रावत पहलवान बड़वानी, सचिन रावत पहलवान बड़वानी और संजीत पहलवान महेश्वर भी तैयार है। अभी जसवंत केवट नौना डोड़ी और राहुल पहलवान सहायता के बीच जो कुश्ती हो रही है। आज के कार्यक्रम के अतिथि राजेंद्र दादा, उनका उनको हाथ पिलवाते हुए उनका स्वागत करते हुए एरिने में जो भी पहलवान हमारे दोनों निर्णायकों के साथ में इच्छुक है वो और गद्दे पे ग्रीको रोमन कुश्ती होती है। आज के इस दौर में हमारे यहाँ दोनों ही विधाओं में कुश्ती लड़ने वाले बड़े बड़े प्रतिष्ठित पहलवान हैं। ये विक्रम पहलवान जो आज माता के साथ हंसने की ओर से भैया 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 बाहर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।